फ्रेंड्स, ड्यूक 390 मॉडिफिकेशन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपनी बाइक का परफॉर्मेंस बेटर करना है तो आप फ्यूल इंजेक्टर ज़रूर साफ़ करें। तो आज हम फ्यूल इंजेक्टर साफ़ करने वाले हैं। उसके लिए हमें एक ये वाला नट जो है उसको ओपन करना है। मैं ओपन करता हूँ और इसके लिए हमें एक ये कनेक्टर जो है ये निकालना है। सो लेट्स गो अहेड। फ्यूल इंजेक्टर मैंने बाहर निकाल लिया है। इसके साथ कुछ कनेक्शंस लगे हुए हैं। ये फ्यूल का पाइप है और यहाँ पे कनेक्टर है और एक ये लॉक है इसका जो कि हमें खोलना है। और ये लॉक खोल के हम इस पाइप को यहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो इसका इंजेक्टर है वो साफ़ कैसे किया जाता है। तो गाइस, ये मैंने फ्यूल इंजेक्टर जो है फ्यूल इंजेक्टर से मैंने ये क्लैंप निकाल लिया है। ये इसके साथ जाता है। और अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इससे मैं इस इंजेक्टर को एक्टिवेट करूँगा। मगर इस इंजेक्टर को साफ़ करने के लिए मैंने कुछ बनाया है और वो है ये एक सिंपल सा बाइक के टायर का इस तरह का नोज़ल है। और इसके साथ मैंने एमसील लगा के इस पाइप को इसके साथ जोड़ दिया है। और ये जो नोज़ल है ये बहुत इजीली इस वाले पोर्शन में फिट हो जाता है और काफ़ी टाइट इसका सील रहता है। और उसके बाद जब मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो मैं डायरेक्टली इस इंजेक्टर इस फ्यूल सॉरी इस फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर के थ्रू मैं इसको क्लियर कर पाऊँगा, साफ़ कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये है सेटअप। क्लीनर, इसके साथ पाइप, इस तरह से इसको फिट किया है। एक एलिगेटर क्लिप मैंने इसके अंदर लगाई है और यह जा रही है बैटरी में। अब अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो अब जब मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो यहाँ से एक जो क्लीनर है वो स्प्रे के थ्रू सामने आएगा। और स्प्रे पैटर्न से आप पता लगा सकते हैं कि जो स्प्रे हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। सो लेट्स ट्राई दिस। कि स्प्रे जो है काफ़ी इवन पैटर्न का है और काफ़ी अच्छा स्प्रे इसके अंदर से स्प्रे हो रहा है। मतलब मेरा फ्यूल इंजेक्टर अभी ठीक है या फिर पहले ठीक था। और बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप काफ़ी देर तक बैटरी से इसको एक्टिवेट ना करें, क्योंकि इसके अंदर की एक कॉइल होती है, अगर वो ख़राब हो जाएगी या जल जाएगी तो आपको फ्यूल इंजेक्टर चेंज करना पड़ेगा और हीट से इसे डैमेज हो सकता है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस। एंड अब इसको वापस फिट करूँगा। आप मेरे बाकी के वीडियोस प्लीज़ चेक कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।